हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल कुकिंग विद सनराज में। मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती हूं और आशा करती हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। तो आज हम पनीर भुर्जी और नान बनाएंगे। आपको जब भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा खाने का मन करे तो आप इसे बना कर खा सकते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर और नान बनाने के लिए 1 कप आटा और 1 कप मैदा लिए हैं। आप चाहे तो नान को केवल आटा या केवल मैदा में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में 1 कप मैदा और 1 कप आटा निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच तेल और आधा कप दही डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर जरूरत के अनुसार पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे और 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम पनीर भुर्जी बनाने के लिए कढ़ाई गरम करेंगे। उसके बाद सरसों तेल, हरी मिर्च और प्याज डालकर गोल्डन रेड होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी समय लहसुन भी डालकर प्याज के साथ ही इसे भून लेंगे। थोड़ी देर बाद टमाटर और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्द सॉफ्ट हो जाएगा। अब 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच बेसन डालकर भून लेंगे। इसी के साथ आधा चम्मच किचन किंग मसाला और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। पानी डाल देने से मसाला जलेगा नहीं। अब इसे 4 से 5 मिनट भून लेंगे। पाँच मिनट बाद अपने अनुसार पानी डालकर ग्रेवी तैयार कर लेंगे। जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तब पनीर डालकर इसे 2 मिनट पका लेंगे। उसके बाद 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लेंगे। अब नान बनाने के लिए थोड़ा सा डो लेकर लोई बना लेंगे। उसके बाद सूखा आटा लगाकर रोल कर लेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर गोल कर लेंगे। अब दोबारा से सूखा आटा लगाकर रोल कर लेंगे। बीच में तेल लगाकर रोल करने से नान अच्छे से फूला फूला बनेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मंगरेला और धनिया पत्ता डालकर रोल कर लेंगे। नान बनाने के लिए तवा गरम करेंगे। जैसे ही तवा गरम हो जाएगा नान डाल लेंगे। फिर तेल डालकर दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे।
देख सकते हैं कि नान फूला फूला बना हुआ है। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे उसके लिए आप मेरे इस चैनल कुकिंग विद सनराज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।